हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम एक्सो प्लेयर के बारे में सीखने वाले हैं एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सो प्लेयर। सो एक्सो प्लेयर एक गूगल की लाइब्रेरी है जो ऑडियो एंड वीडियो रिलेटेड थिंग्स को हैंडल करती है एंड ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। सिंस हम लोग एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो हम लोग एक्सो प्लेयर का यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वीडियोस को हैंडल करने के लिए। इन गूगल देर आर मल्टीपल वेज टू हैंडल वीडियोस, जिसमें से कुछ है मीडिया प्लेयर, एक्सो प्लेयर एंड प्लेयर व्यू। बट उनमें से एक्सो प्लेयर का यूज़ क्यों कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एक्सो प्लेयर। एक्सो प्लेयर सपोर्ट्स मोर फीचर्स देन मीडिया प्लेयर। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सो प्लेयर इट सपोर्ट्स मोर फीचर देन दैट ऑफ मीडिया प्लेयर। सेकेंड, एक्सो प्लेयर इज हाईली कस्टमाइजेबल। इसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से इसका UI, इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज को बहुत सिंपली चेंज कर सकते हो, वेयर एज जो मीडिया प्लेयर है वो इतना कस्टमाइजेबल नहीं है। एंड थर्ड थिंग, एक्सो प्लेयर जो है स्पेशली डिजाइंड है ऑनलाइन कंटेंट प्ले करने के लिए। सो आप सोचोगे जब एक्सो प्लेयर ऑनलाइन कंटेंट प्ले करता है तो हम लोग एक ऑफलाइन एप्लीकेशन में उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक्सो प्लेयर एक्चुअली दोनों कंटेंट्स प्ले करता है बट स्पेशली वो ऑनलाइन कंटेंट्स के लिए बनाया गया है। बट फिर भी मुझे एक्सो प्लेयर के कुछ फीचर्स अमेजिंग लगते हैं एंड मैं उन्हें ऑफलाइन में यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सो प्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड कुछ फैक्ट्स, जैसे कि जो वीडियो इस समय आप देख रहे हो, मे बी आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे होगे एंड आपने नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार का यूज़ ज़रूर किया होगा। सो जो फेमस ऑनलाइन कंटेंट प्लेइंग साइट्स है वो एक्सो प्लेयर का यूज़ करती है वीडियोस को प्ले करने के लिए। एंड एक्सो प्लेयर की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो उनमें से पहली है मोर APK साइज। ओके, सो जब एक्सो प्लेयर को आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हो, उसी के साथ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। जनरली ये कोड आपकी 4 to 5 MB APK की साइज बढ़ा देता है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज, एक्सो प्लेयर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू मीडिया प्लेयर, क्योंकि एक्सो प्लेयर एक एप्लीकेशन लेवल प्लेयर है, वेर इज मीडिया प्लेयर सिस्टम लेवल प्लेयर है जो फोन के अंदर ऑलरेडी आता है। एक्सो प्लेयर हमें एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ता है बट वो बैटरी कंजम्पशन बहुत माइन्यूट है, मीन्स बहुत कम है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन आर प्रोजेक्ट। सो सिंपली अपना ब्राउजर स्टार्ट कर दो एंड सिंपली सर्च एक्सो प्लेयर एंड एक्सो प्लेयर एंड उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल साइट्स है, ये github.com google.exoplayer का मैं यूज़ करने वाला हूँ। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे आप एक्सो प्लेयर की ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। एंड हियर अगर आप एक्सो प्लेयर के बारे में और जानना चाहते हो तो एक्सो प्लेयर की काफ़ी अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसे रीड कर सकते हो एंड यहाँ पे भी बहुत कुछ दिया गया है। एंड नाउ सबसे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है एक्सो प्लेयर का, आप ये यूज़ करो इम्प्लीमेंटेशन एंड ये कोड्स पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे XX की जगह पे आपको वर्जन स्पेसिफाई करना है। बट मैं ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने वाला क्योंकि ये एक ही बार में सारे कंटेंट्स और सारे कोड्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेता है, मुझे सारे कोड्स नहीं चाहिए। सिंस मैं ऑनलाइन कंटेंट प्ले नहीं कर रहा तो मैं सारे कोड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला, मैं कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करूँगा एक्सो प्लेयर की। सो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि आप कस्टम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो सिंपली कॉपी दिस कोड्स एंड जस्ट गो टू योर एंड्रॉइड स्टूडियो, प्रोजेक्ट, ग्रेडल स्क्रिप्ट एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल सेकेंड वन। एंड यहाँ पे मैं एक्सो प्लेयर के लिए कोड्स लिखने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ फॉर एक्सो प्लेयर एंड उन कोड्स को यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड इसमें से मुझे डैश का नहीं चाहिए क्योंकि डैश जो है वह एक्चुअली इंटरनेट से कंटेंट प्ले करने के लिए यूज़ होता है एंड ये जो कोर फंक्शनैलिटी है इसे इम्प्लीमेंट करना नेसेसरी है। एंड चेंज टू लेटेस्ट वर्जन एंड उसके बाद ये जो एक्सो प्लेयर UI है मैं इसका भी यूज़ करना चाहता हूँ। जो एक्सो प्लेयर UI है एक्चुअली ऑप्शनल है एंड कोर नेसेसरी है बट मुझे इन दोनों की ज़रूरत है इन दिस प्रोजेक्ट। एंड जस्ट क्लिक ऑन सिंक नाउ। सो फाइनली प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है एंड यहाँ पे मुझे कोई एरर्स नहीं दिखाई दे रही है, विच मीन्स मैंने एक्सो प्लेयर को सक्सेसफुली इम्पोर्ट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सो प्लेयर की मदद से एक वीडियो प्ले करके देखेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।